येषा उद्भोगश्च च आत्मनिविकृति तेन स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभवात् इति अभिव्यक्ताः युगपात् सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग। ठीक है, यहाँ पर हम कल पढ़ लिए थे कि देशा मतलब ये जो सामग्री ना बुद्धि इच्छा निशेष तत्व उद्बोध उसका उद्बोधक जो आप बोलती हो आत्मन छः नंबर के निर्माण में आत्मन अस्मद अभिमत विवादग्रस्त देना क्योंकि वो व्यापक अवस्था में है कि अब एक देश में उसको लेकर के विवाद है सिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए बिल्कुल शायद वो भी स्मृति के सामग्री का अंतर्भुक्त होने के कारण इस प्रकार से बुद्धि और अनुभव संस्कार जो अलग अलग कर्म होना संभव नहीं होने के कारण जो पद व सर्व स्मृति उत्पत्ति प्रसंग यहाँ तक एक बार हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं देखो सजा की जो संबंध होता है ना सजातीय वस्तु में संबंध होता है विजातीय वस्तु में संबंध अथवा संस्पर्श नहीं होता। आप आत्मा में स्पर्श गुण नहीं माना और मन में आपने स्पर्श गुण माना तो जिसके अंदर स्पर्श गुण नहीं है इसका इसके साथ स्पर्श कैसे होगा। इसलिए पहले तो दोष देते कि आत्मा गुण कहाँ से रहेगा आत्मगुण कैसे रहेगा। आप जो आत्मा मन का संयोग ये भी बंधन है ये कहने के लिए आत्मा और मन का जो संयोग है ये भी बंधन है। पहले क्या पहले कुछ कह दिया अभी ये गुण कैसे रहेगा ये तो समझ से रहेगा संभव ही नहीं है आत्मा में और यदि रहेगा तो कभी मुक्त नहीं होगा तो आगे बोले अर्थ है ये आत्मा मन का संयोग कैसे होगा उसको लेकर बोलते हैं। देखो यहाँ पे टीका में बोलते हैं किंच समान जातीय नाम स्पर्शादि मतां परस्परम संबंधो दुष्ट। समान जातीय वस्तु जिसके अंदर समान जातीय मतलब जिसके अंदर स्पर्श गुण है इस प्रकार की वस्तु तो आपस में मतलब संस्पर्श हो संयोग हो सकता है। पर तो आप यहाँ पे मन में तो आपने स्पर्श गुण माना आत्मा को स्पर्श गुण माना नहीं पर इन दोनों में संस्पर्श कैसे होगा संयोग कैसे होगा। समान स्पर्शादि मत जो स्पर्श गुण है जिसका इन लोगों के तो परस्पर संबंध दिखाई देता है विश्व। देखो सात नंबर की टिप्पणी बोलते हैं समान जातीय नाम तत्त्व असाधारण धर्मी नतुल्या नाम जिसके अंदर ये असाधारण धर्म एक ही प्रकार की है उस प्रकार की द्रव्यता आपस में संबंध कर लेगा परंतु एक का अंदर एक गुण है एक का अंदर दूसरा गुण अलग अलग धर्म वाला है वो संबंध नहीं कर सकता ऐसे तुम्हारा सिद्धांत है व्यवहार भी नहीं दिखाई देता। इसलिए आगे बोलते हैं समान जातीय नाम तत्त्व असाधारण धर्मी नतुल्या नाम इति अर्थ। और आठ नंबर बोलते हैं स्पर्शाधिमता स्पर्शाधिमता मतलब भूत चतुष्टय वृद्धि गुणवत्ता तो स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है वायु अग्नि जल और पृथ्वी भूत चतुष्टय इसलिए बोलते हैं भूत चतुष्टय वृद्धि गुणवत्ता अर्थ स्पर्शाधिमता आत्मा में नहीं रहता हम कभी तो नहीं मानते तो फल तो हमें कैसे जाएगा वो जो हमें संस्पर्श कैसे होगा। अब आगे और बोलते हैं यथा दृष्टांत दिए ना समान जातीय नाम उसको समझा मल्ला नाम मेषा नाम रज्जु भटादि नाम च तदुभय अभाव आत्मनाम मनादि भी संबंध असिद्धे न उक्ता अशनवय कारणा बुद्ध्यादि मूल उत्पत्ति सिद्धति इति आह। इस प्रकार जैसे आप देखे हैं कभी जो युद्ध में खूब होता है कुश्ती लड़ाई कुश्ती लड़ाई समान जी छोटा बच्चा के साथ बड़ा का नहीं लगा समान जाति होगा समान एक भैंसों की लड़ाई होती है फिर मुर्गी उसका भी लड़ाई होती है तो समान जाति भैंस के साथ मुर्गी का नहीं लड़ा विजातीय वस्तु में लड़ाई समान जाति में लड़ाई बस बोलते मलदाना मेषा नाम और फिर रज्जु और घट मतलब रज्जु घट आदि नाम से रज्जु के ऊपर अपने घट को लपेट सकते हैं समान जातीय स्पर्शादि होना दोनों दोनों यहाँ पे ये आत्मा के समान जातीय कोई वस्तु है नहीं और उसमें स्पर्श वाली गुण भी नहीं है तब उभय अभाव आत्मा नाम मन आदि भी आत्म की आत्मा अनेक है इसलिए आत्मा नाम मनादि भी मन भी अनेक है क्योंकि नए दर्शन को अनुसार संघ दर्शन को अनुमान नहीं किया अरे मनादि भी मनादि के साथ संबंध असिद्ध संबंध शुद्ध नहीं होने के कारण नियम भी नहीं इतना एक साथ मिलकर लिखा हुआ है तो ना मुश्किल पर धीरे धीरे कम मौका करते हुए पर उभय अभाव आत्मा नाम मनादि भी संबंध असिद्ध कमा
ना उक्ता अस्वयंकारी कारण जो आपने कहा आत्मन संयुक्त अस्वयंकारी कारण से आत्मा में ज्ञान नामक गुण उत्पन्न होता है। आत्मन आत्मा और मन की संयुक्त अस्वयंकारी कारण से आत्मा में ज्ञान रूपी गुण उत्पन्न होता है, ये जो आपने कहा इसे बोला न उक्ता अस्वयंकारी कारण बुद्धि 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 ज्ञान ज्ञान आ जाते हैं बुद्धियादि गुण उत्पत्ति वाली बुद्धि होगा ये न सिद्ध उत्पत्ति सिद्ध ये सिद्ध नहीं होता आत्मा मनाली भी संबंध असिद्ध दोनों का अभाव होने के कारण आत्माओं का और मन के साथ संबंध होना सिद्ध नहीं होता इसलिए न उगता इसलिए न उगता असमय कारण आत्मन संयुक्ति संबंध सिद्ध नहीं होता इसलिए इस असमय कारण से बुद्धियादि को उत्पत्ति सिद्ध जो बुद्धियादि उत्पत्ति बुद्धि जो बुद्धि को उत्पत्ति आत्मा में सिद्ध ही नहीं होता उसके लिए न भाष्य में न भिन्न जातीय नाम से निरीक्षण करना ठीक है न भिन्न जातीय नाम स्पर्शादिहीना नाम आत्मा नाम और मन आदि भी संबंध ठीक है द्रव्य और गुण सजातीय वस्तु नहीं है बिल्कुल भिन्न वस्तु है आपने क्या बोला सजातीय वस्तु में संबंध होता है ऐसा तुमने कहा परंतु गुण और द्रव्य का उसके सिद्धांत कौन सा गुण और द्रव्य तो विजातीय वस्तु है परंतु द्रव्य में गुण रहता है ये उनकी मान्यता है इसलिए बोलते हैं गुणादीनाम सहजातीय समान जातीयता स्पर्शादिमत्यस्य च अभावे अपि उसका अभाव होने पर भी द्रव्य संयुक्त के साथ कैसे गुण का संबंध हो जाता है इसी प्रकार आत्मा रूपी द्रव्य में इस नाम गुण का संबंध हो जाता है क्या बात है आत्मा मनादि इस प्रकार आत्मा के साथ मन द्रव्य के साथ भी द्रव्य का संबंध हो जाएगा आत्मा जी द्रव्य मन के साथ दृष्टान्त दे रहे हैं द्रव्य के गुण के साथ और घटा कहा जा रहा है द्रव्य का गुण के साथ सजातीय गुण की विद्यमान नहीं है पर भी जैसे द्रव्य के साथ उसका संबंध हो जाता है ना उसी प्रकार से आत्मा और मनादि भी आत्मा भी द्रव्य मन भी द्रव्य सिद्धांत होता है उनके साथ आत्मा का मनादि के साथ संबंध सिद्ध हो जाएगा यदि हम ऐसा कहें तो तभी तो तुम बोलते हो ना सब अलग अलग द्रव्य माना वेदांत तो मानता ही नहीं है वेदांत तो यही कहता है एक अधिष्ठान सभी तरीका ही पता है रज्जु ही तो भूषु धर माला ग्रंथ सर्व आदि रूप में दिखाई पड़ता हमारे पास इतना भिन्न द्रव्य है ही इसलिए हम बोलते हैं न च द्रव्या रूपादयो वहाँ के पास कितना उनके पास पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म सामर्थ्य विशेष समवाय यहाँ तक महत्व तो भी पदार्थ को द्रव्य माना ठीक है ठीक है इसलिए बोलते हैं द्रव्याद रूपादय द्रव्य से रूपादय गुण द्रव्य से गुण फिर कर्म सामान्य विशेष समवाय वह भिन्ना शक्ति परेशान हमारे सिद्धांत के अनुसार द्रव्य से अलग होकर के अब द्रव्य से अलग होकर के गुण कर्म सामान्य विशेष ये सब हमारे सिद्धांत के अनुसार है ही नहीं इसलिए तुम आपके दृष्टांत नहीं दे सकते ध्यान रखना हमेशा किसी पूर्व दूसरे वादी को समझाने के लिए आपके उनकी बात उभयपद दृष्टान को देना पड़ता है उभय पद संबंध दृष्टा इसलिए परेशान बोलते हैं वेदांत बिना हमारे पास एक ब्रह्म बिंदु दूसरा कोई पदार्थ है ही न क्या द्रव्या रूपादय गुणा कर्म सामान्य विशेष समवाय भिन्ना शक्ति परेशान द्रव्य से रूपादि गुण द्रव्य से गुण कर्म सामान्य विशेष सब ये द्रव्य रूपी है ना भिन्न शक्ति
ये द्रव्य का परिभाषा वेदांत शुद्ध है। जब तक वेदांत ने आत्मा को द्रव्य का ब्रह्म का द्रव्य नहीं माना, परंतु द्रव्य को हमारे सीखे भूमा, मतलब जो भी भूमा का लक्षण किया गया कि जन यम नाम न पश्य के नाम न सुन के नाम न प्रियन के जो भी भूमा का सुना है ना नाम के रूप में, इस प्रकार से द्रव्य का जो है जो अभी हमारा यहाँ पे द्रव्य किसको बोलते हैं हम हमारे क्षेत्र में, हमारे पास कितने द्रव्य है ब्रह्म क्या है आपका स्वतंत्र सन्मात्र, स्वतंत्र सन्मात्र किसी के ऊपर अपेक्षित नहीं है, स्वतंत्र रूप से है। और क्या है सर्वभौम कस्मिन प्रतिष्ठित स्वमहिम्न प्रतिष्ठित, यदि मैं नौ महीने में सब नहीं मैं नहीं और क्या हो गया सन्मात्र बस केवल उसका चैतन्य मात्र उसका है आत्मा नहीं है, इसके बजाय यही द्रव्य एक ही द्रव्य हमारे पास और उसी द्रव्य के ऊपर सारा आनंद दुर्ग कर दी है, उसी द्रव्य के ऊपर सारा आनंद दुर्ग कर दी है। इसलिए आप देखिए टीका में बोलते हैं स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य शब्देन अत्र विवक्षित, ये इसमें ठीक है ये कौन नए दर्शन बोल रहे पर वेदांत बोल रहे इसको प्राची कर स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य शब्देन अत्र विवक्षित अत्र मतलब वेदांत मते न तत्व भेदेन गुणावय वेदांत मते विद्यन्ते है ना, इस द्रव्य से भिन्न करके गुण कर्म सामान्य विशेष उससे भिन्न करके कुछ भी नहीं है, उसी के ऊपर ही सब दिखाई पड़ते हैं है कि नहीं। हमारे सिद्धांत क्या है जो भी कुछ हो रहा है द्रव्य गुण सामान्य विशेष सब उस अभाव की भावात्मक है, वह है के ऊपर ही दिखाई पड़ता है, हरा नहीं है वह है के ऊपर ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं स्वतंत्र सन्मात्र में द्रव्य का लक्षण है, जो स्वतंत्र होगा और केवल उस विद्यमान सन्मात्र है और मिशन वैयत्यपिस्पर्शादिमतां उदाहरणं रज्जु घटादिनम वैयत्य उदाहरण क्या दिया कि देखो घट के साथ भी तुम्हारे रज्जु मिलते हैं परंतु दोनों स्पर्श गुणा है केवल स्पर्श इसलिए उन्होंने संबंध होना संभव है। इस प्रकार से नौ नंबर दस नंबर के धनु द्रव्याद रूपादय क्योंकि द्रव्यम अद्भुत आपने यहाँ पे क्या लिखा पूर्ववादी देखो ननु बोल रहे हैं मतलब कि कौन बोल रहे हैं यहाँ पे पूर्ववादी बोल रहे हैं। अच्छा आप किसके ऊपर पढ़े थे आपने क्या कहा द्रव्यारूपादय गुणा कर्म तो आपने जो इससे ये आपके शब्दों प्रयोग किया यानी कि आपने भिन्न का माना पूर्वज ही सोचते नहीं यही नहीं सोचता है आपने बोला इससे ये भिन्न नहीं है आपने कहा कि पेन से पुस्तक भिन्न नहीं है तो आपने पेन और कुछ माना थे तो हमारे मार्मिक दृष्टि के चाहे पेन हो चाहे पुस्तक दोनों सच्चिदानंद रूप है जितने व्यवहारिक रूप हमारे पारमार्थिक सिद्धांत है और उनके पारमार्थिक पेन उनका कारमार्थिक है ये भिन्नता है ध्यान रखना। इसमें आप बोलते हैं कि द्रव्याद उपादय द्रव्यम अभ्युपगछत ये जो आपने बोला द्रव्य से उपाधि ये द्रव्य को आपने माना द्रव्याद द्रव्यम अभ्युपगछत द्रव्य गुणादि भेद पिछले द्रव्य से गुण का भेद है ऐसा तुम्हारा मानना करोगे ये तो गलत यही तो था जब शब्द प्रयोग किया तो नहीं मानना पड़ेगा जब तक गुण कर्म आश्रयतम द्रव्य संरक्षण हम का पहली कह क्या क्या द्रव्य का लक्षण क्या है गुण और क्रिया के आश्रय होता है द्रव्य गुण क्रियाश्रयतम द्रव्य गुण क्या है जो द्रव्य का आश्रय रहता है द्रव्य क्या है जो गुण क्रिया गुण और क्रिया के आश्रय है तरण आश्रय बस इसलिए आप बोलते हैं जब तक गुण कर्म आश्रयतम द्रव्य संरक्षण न जो अंतरेण भेदम आश्रय से भाव संभव है देखो ये जो गुण और कर्म के आश्रय द्रव्य होता है जिस प्रकार आपने ये पात्र हो गया आश्रय और उसमें क्या है जल तो आश्रय और आश्रय ही खरा हो गया आश्रय जल हो गया आश्रय ही तो खरा और जल भिन्न हुए बिना आश्रय आश्रय भाव होना संभव नहीं है ठीक है। और आपने क्या आपने इसलिए हमने क्या किया द्रव्य को अलग माना गुण को अलग माना द्रव्य रूपी आश्रय में गुण रूपी धर जल रहता है ऐसा मानना पड़ेगा आपको आप बोलते कुछ भिन्न नहीं है कैसे होगा ये तो आप शब्द ही नहीं प्रयोग कर सकते इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि गुण कर्म आश्रयतम द्रव्य से लक्षण न से अंतर न भेदम आश्रय भेद को आश्रय किए बिना भेद को आश्रय किए बिना आश्रय आश्रय भाव न संभव भेद को मान्यता दिए बिना आश्रय आश्रय भाव न संभव नहीं है
तथा च द्रव्याद रूपादयो न भिन्ना सन्ति इति देहतम वचैः आशंकः। तो पूर्ववादी बोलते हैं कि द्रव्य से गुणादि कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ये जो तुमने कहा ये तुम्हारा व्याघात दोष है। इधर भिन्न करके बोल रहे हो अब वो तो भिन्न नहीं है। विवक्षित हमारा जो द्रव्य का लक्षण है उसके हम रख करके फिर उसका हम खंडन करते हैं। स्वतंत्र क्षण मात्र भी द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का क्या लक्षण बोला हमने? स्वतंत्र क्षण जो किसी को किसी का आश्रय नहीं है और किसी को आश्रय ना देता ना किसी का आश्रय है। आप बताओ रज्जु रूपी अधिष्ठान सर्प का आश्रय है कि नहीं है? क्या बोलो? है नहीं। होंगे सर्प का आश्रय कैसे होगा? वो तो कल्पना है। इसीलिए हम लोग कल्पित तादात्म्य संबंध मान लेते हैं। कल्पित तादात्म्य संबंध से अनकल्पित तादात्म्य संबंध, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं परमार्थिक द्रव्य का लक्षण वेदांत क्षेत्र स्वतंत्र सन्मात्र। स्वतंत्र मतलब अनाश्रितम। स्वतंत्र शब्द का क्या कहते हैं? जो किसी का आश्रय में नहीं रहता है ना किसी को आश्रय देता है। तो नहीं समझ अनाश्रित। और सन्मत्त मतलब सत्य न प्रकृति और है रूप में प्रकृति हो जाए। सभी के सब है रूप में निकल करते है कि नहीं? घट है, पट है, मठ है, ठीक है ना। देखो घट का आश्रय नहीं है। घट का आश्रय उसको पदम कारण मृत्यु का है। इसलिए आप बोलते हैं कि अनाश्रित किसी के में आश्रय नहीं है तो सत्य न प्रकृति और तभी इसको निर्भय करते हैं। तथा ब्रह्म द्रव्यम एकमात्र द्रव्य हमारे पास क्या है? कोई एकमात्र द्रव्य है ब्रह्म एव द्रव्य। जब तक हम ब्रह्म का द्रव्य नहीं मानते हैं शास्त्रार्थ में द्रव्य शब्द प्रयोग हो रहा है तो हम द्रव्य कहाँ घटा कर दिखाए। हम तो ब्रह्म का द्रव्य नहीं मानते तो हम उसका लक्षण इसलिए बोलते हैं। अब ब्रह्म का कुछ लक्षण भी नहीं है परमार्थी। जब तक हम स्वरूप लक्षण तदस्थ लक्षण बोलते हैं लक्षित हो जाए परमार्थी उसके उसके शब्द प्रयोग होते ही नहीं है। इसलिए ईश्वर को लेकर सब शब्द प्रयोग सब शब्द प्रयोग तथा जो ब्रह्म ही द्रव्य रूपादि नाम च रज्ज्वादि अवच्छेदेन सर्पादि व रूपादि नाम अलग कर देना है ना कि जब जिस प्रकार रज्जु अवच्छेद में सर्प दिखाई पड़ते हैं रज्ज्वादि अवच्छेद मतलब भ्रांति स्तर रज्ज तो अवच्छेद सर्प की दृष्टांत बनाया। रूपादि नाम च पृथ्वी अवच्छेदेन रूप शब्द स्पर्श रूप प्रसंग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अवच्छेद ब्रह्म के ऊपर ही दिखाई पड़ते हैं। किंतु हम जब सृष्टि प्रकरण में बोलते हैं तब क्या होता है? आकाश आवापन्न ब्रह्म से वायु उत्पत्ति। आकाश से वायु उत्पत्ति हम नहीं मानते हैं। आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु उत्पत्ति ब्रह्म भावापन्न वायु से अग्नि उत्पत्ति है। मतलब ब्रह्म उस रूप में विवर्तित हुआ विवर्तित होते हैं। अमर परिणाम तो है नहीं जो विवर्तित होता कैसा दिखाई देता है। इसलिए बोलते हैं कि रूपादिनां च रज्ज्वादि अवच्छेदेन सर्पादिवत् पृथिव्यादि अवच्छेदेन ब्रह्मणैव अध्यस्तत्वात् ब्रह्म में अध्यस्त है ना। इसलिए हम अभिन्नत्व मानते हैं। पृथिव्यादीनां तु ज्ञान अवच्छेदकत्वात् वृत्तेर ज्ञानत्वम् इव। इस प्रकार पृथिव्यादि वृत्ति ज्ञान मात्र है बुद्धि ने मात्र बैठा हुआ है। हमारे क्या बोलते हैं वेदांत कृष्ण के मिश्र में सर्प कहाँ बैठा है? बुद्धि वृत्ति में बैठा है। वहाँ बैठा ठीक है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे आत्मा ही वैदम सर्व ब्रह्म ही वैदम सर्व पुरुष ही वैदम विश्व। इस प्रकार से केवल वही तत्व है और बाकी बुद्धि वृत्ति के ज्ञान मात्र बैठा हुआ है। इसलिए इव द्रव्य अवच्छेदकत्व इव द्रव्यत्व उस बुद्धि में द्रव्यत्व आप बैठा हो उसे उसको हम द्रव्य बोलते हैं द्रव्यत्व ठीक है ना। रूपादि अपेक्षा स्वातंत्र आदय लक्षण सम्बन्ध इस रूपादि के तुलना में द्रव्य स्वतंत्र है उसका लक्षण घट जाएगा। वो पूर्ववादी बोल रहे न च एवं इस प्रकार से यदि कहोगे तो रूपत्वादि अपेक्षा स्वातंत्र आदय रूपादो अतिव्याप्ति निशंकम रूप और रूपत्व समझते हो? रूप और घट और घटत्व घट एक द्रव्य है उसमें रहते हैं घटत्व घट इसी तरह रूप में रहते हैं रूपत्व रूप इसलिए बोलेंगे आप क्या न च एवं रूपत्वादि अपेक्षा रूपत्वादि की मतलब रूपत्व शब्दत्व स्पर्शत्व गंधत्व इसकी अपेक्षा से स्वातंत्र आदय रूपत्व अलग होता है और रूप अलग होता है
तरह के स्वतंत्र आ रहे रूपादो, आपने क्या लक्षण किया था? स्वतंत्र संबंध रूपादि में इसका अभिव्यक्ति हो जाएगा ब्रह्म के लक्षण की। ब्रह्म के लक्षण कहाँ अभिव्यक्ति होगा? रूपादि में। तो बोलना ये नहीं बोल सकते कि रूप और रूपत्व तो फिर अलग, रूप में नहीं, रूप में ही रूप रहता है। यानी इसलिए आप बोलते हैं न च एवं रूपत्वादि अपेक्षया स्वातंत्रम आदयत, रूप की अपेक्षा से रूपत्व तो स्वतंत्र होता है। उसको उस भाव को लेकर के आप रूप में भी ब्रह्म के लक्षण अभिव्यक्ति हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते। ये कोवादी यदि कहना चाहता सिद्धांत बोलते ऐसा तो नहीं कह सकता क्योंकि रूप में रूपत्व धर्म रहता, रूपत्व धर्म अलग करने कभी नहीं मिलता, व्यवहार प्रसज्जनीय भवति। अतः लक्षण तो वास्तविक ब्रह्म है नहीं कि जिससे का व्यवहार का सभी ब्रह्म में भी व्यवहार नहीं है, सारा व्यवहार जो है अज्ञान दर्शन ही है। सभी वादी की मान्यता है सारा व्यवहार अज्ञान दर्शन ही है। इस प्रकार चार बार जो आप शरीर को आत्मा मान कुछ अच्छी तरह समझ में चला दीजिए कि वो जो है पुत्र मित्र धन दल दौलत आपस भिन्न को देखता है मैं मनोबल करके शुक्र तो वहाँ पे मैं हूँ क्यों मुझे होता ही अज्ञान है। शरीर आत्मा है और वो पुत्र को आत्मा मान दिया और दूसरी पुत्र में वो सुंदर यानी कि उसकी अज्ञात ही उसका अज्ञान है। चार बार सिद्धांत में भी अज्ञान ज्ञान से मिल जाए, वो अज्ञान क्या है? बाहरी वस्तु में है और मेरा मन कर रहा उससे मिली होना, यानी कार्य अज्ञान से ही व्यवहार होता है। जो हमारे सिद्धांत चार बार सिद्धांत भी ऐसा माना है। शांक दर्शन उसके बाद जो आया वो शांक दर्शन में क्या है? बुद्धि है ना, बुद्धि के द्वारा बुद्धि को आत्मा मान करके सारा व्यवहार हो रहा है अज्ञान से। इसीलिए प्रकृति पुरुष का विवेक है ना, बुद्धि को एक पुरुष मानता है इसलिए अज्ञान से व्यवहार होता है और वो एक जगह के मानते हैं। अच्छा फिर जो है ये हमारा न्याय वैशेषिक दर्शन मन मन और आत्मा संघर्ष मन से व्यवहार होता है अज्ञान से मन दिखते हैं अलग कवर से। बौद्ध दर्शन चित्त भूमि में संस्कार है अधिकार की धारा चलता है वो भी अज्ञान से। सभी वादियों ने अज्ञान से व्यवहार को माना और एक एक जगह पे और मुक्ति अवस्था में व्यवहार नहीं होता ये भी मानना। तो जब एक एक ही से काम चल जाता है कि अज्ञान से व्यवहार होता है तो फिर अलग अलग जो भी मानते हैं एक आत्मा और एक अज्ञान से भी काम हो जाता है अलग अलग जो मानने का आवश्यक है। इसको देखिए पंचर मन के बोलते हैं और देखिए नहीं लक्षण मस्ती व्यवहार इसका कारण के कोई लक्षण नहीं है व्यवहारिक दृष्टि में इसको हम कहते हैं परंतु व्यवहार दोनों में नहीं है। द्रव्य व्यवहार उपपत्र एवं लक्षणम लक्षण निर्माणाति ये द्रव्य के व्यवहार को उपपत्ति करने के लिए हमने कुछ लक्षण कहा आपको है ना, परंतु वास्तविक ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं है। अभी पारमार्थिक दृष्टि से अब फिर हमने पद दिया है उस पद के अर्थ को कारण अत्र च अलिंग वारणाय अत अलिंग मतलब तुच्छ वस्तु बंधापुत्र आदि बंधापुत्र आकाश को इसको निषेध करने के लिए क्या बोला यहाँ पे सम मात्र अब विद्यमान है अब अत्र अधिक द्रव्य की लक्षण क्या सन्न मात्र स्वतंत्रम सन्न मात्रम द्रव्य का लक्षण क्या स्वतंत्र हमारे पास एक ऐसे वस्तु है स्वतंत्र है और सन्न मात्र है। सन्न मात्र क्यों दिया ये अधिक से भिन्न है अतः वो बंध पुत्र जैसा महात्मक नहीं है। अत्र जो अधिक वारण है सन्न मात्र नहीं और हमें मात्र शब्द क्यों दिया सन सन्न मात्र विद्यमान था मात्र की तो हम कोई गुण द्रव्य गुण कर्म कुछ नहीं है इसलिए बोलते हैं मात्र शब्द गुण आश्रय का भी वारणाए गुण उनके शब्द आश्रय का वारण है गुणादि वारणाए और गुण आदि को वारण करने के स्वतंत्र किसी के आश्रय ज्ञान द्रव्य के आश्रय नहीं तो वहाँ पर क्या बोला था गुण कर्म आश्रयतम द्रव्यतम हमारे यहाँ क्या बोलते हैं स्वतंत्र मात्र द्रव्य ये हमारी भिन्नता है मतलब उनको समझाने के लिए हम द्रव्य की रक्षा किए स्वरूप स्वरूप दर्शन हम बोलते हैं। परंतु यदि आप निर्गुण निराकार में ले जाना चाहते हो तब आपको निषेध रूप में अर्थ करना पड़ेगा। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ईश्वर रूप में कहोगे तो ईश्वर सत है ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर सर्वज्ञ होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम। हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको पहले यदि आप निषेध रूप में आप निर्गुण निराकार निर्विशेष में नहीं जाना है तब क्या है त्रिकाल अबाधत्म तीनों काल में जो निषेध नहीं होता और फिर इसमें जड़त्व को निषेध करने के लिए ज्ञान और परिच्छिन्नता को निषेध करने के लिए
एक ही शब्द प्रयोग किया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कैतरीय भाष्य में हमें देखने स्पष्ट था कि भगवान का जो यदि इसी लक्षण को आप निर्गुण निरा का निर्विशेष में घटाना चाहें तो आपको निषेध मुख से लक्षण करना पड़ेगा। त्रिका अबाधकम चैतन्य मान जड़ बाधकम अपरिच्छिन्न बाधकम ये तीन हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम निरीक्षण में ले जाएंगे तो सब चीज आना अनंतता अनंत इसमें भी हमें कष्ट नहीं है। इसीलिए आगे बोलते हैं कि मात्र शब्द यहाँ पे है गुण आश्रय अत्यधि वर्ण है ये गुण के आश्रय नहीं है तो निर्गुण निराकार विशेष है निर्गुण निष्कल गुणादि वारणाय स्वतंत्र वो गुण वो भी गुण के आश्रय में नहीं रहा तो स्वतंत्र रहता है अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है इसलिए इस पर लक्षण किया इस पर थोड़ा ध्यान रखना। देखिए सत्यम ज्ञान हमारे ब्रह्मों का लक्षण हमने जो बोला तटस्थ लक्षण क्या है जब भाई मान भूतानी जायंती जब जाता जीवन जब प्रेम जब सभी तटस्थ लक्षण है मतलब दूर से किसी वस्तु को समझाने के लिए यहाँ पे वहाँ पे कोई जो लक्षण कहा वो जहाँ तक आप उस पर अंदर किया उस पार में पड़े वो से आपका लक्षण रह जाए ना रहे इस प्रकार जब तक आपका धीरे धीरे ज्ञान होगा तब जन्म आदि कुछ नहीं रह सकते। और फिर जब स्वरूप लक्षण में जब बोलेंगे जब ईश्वर को कहेंगे तब सच्चिदानंद में आ जाएगा सच्चित आनंद और जब निर्गुण को बोलेंगे तो विषय को शक्ति करेंगे निकालावाधकम सत्यत्म जड़त्व हीनत्म चित सचित और वहाँ पे अनुपर परिच्छिन्न राहित कहें काल परिच्छिन्न तो हमें वस्तु परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न कहें तो वर्णन के शब्द ये स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य शब्द न अत्य विवक्षित न तत्व भेदे न गुणादय वेदांति मते विद्यन्ते जैसे शुक्ल पटः है ना शुक्ल पट देखिए यहाँ पे एक गुण है और एक द्रव्य है ये एक सामान्यीकरण का प्रयोग है मतलब उस पट से भिन्न करके शुक्ल को भी अलग वस्तु है खंड बहुत मतलब तो है प्रकार के है क्रिया के रूप में खंड को यहाँ पे गुण सामान्यीकरण होगा गुण सामान्यीकरण गुण के साथ पट शुक्ल गुण है और पट द्रव्य सामान्यीकरण दिखा करके कर्म सामान्यीकरण खंड बहुत गौ हो गया द्रव्य और खंड मतलब क्रिया लाल रंग की घट है लाल रंग है सब सब है अग्नि तो कभी आता है तो है ही उसका अधिष्ठान इसके ऊपर यहाँ पे द्रव्य गुण किया कल्पित है ये हमारे वेदांतिक क्षेत्र को द्रव्यम एक तो कल्पनाया तत्त आकार भाति यदि अभ्युपमान ये हमारी मान्यता है क्या ये ब्रह्म रूपी द्रव्य कल्पना से उस रूप में प्रतीति होते हैं द्रव्य एवं द्रव्य मतलब स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य यही जो है कल्पना है कल्पना से तब तक आकार अलग अलग आकार में नाम रूप यदि आपको हमारी मान्यता है दृष्टान्त और संप्रतिपत्ति विद्या इसलिए तुमने दृष्टान्त दिया ना जैसे आपने यथा गुणादीना गुणादीना द्रव्य न सहदीना आपने बोला तो वहाँ पे उभय अभाव अनादि भी संबंध असिद्धि न हो न उपचार अस्मय कारण बुद्धादि गुणादि उत्पत्ति सिद्धि गुणादीना गुणादीना सहायक्य अपने क्या होना जो भूल क्या गुणादीना सहायक्य सुस्पर्शादि मात्र चुत अभाव अभी द्रव्य न संबंध व आत्मा मनादि संबंधित अपने कहा था इस प्रकार द्रव्य के साथ मन का संबंध हो जाता है इस प्रकार आत्मा के साथ मन का संबंध हो जाता है जो दृष्टांत दिए थे ये दृष्टांत हमारे स्वाद सिद्ध ही नहीं होता ना हमारे पास द्रव्य और गुण नाम जो अलग वस्तु है एक ही वस्तु को द्रव्य रूप से भी कल्पना करते गुण रूप में कल्पना करते इसके बजाय अब दृष्टांत असंप्रति हमारे कुछ वेदांत सिद्धांत होता है हाँ व्यवहारिक को लेकर के नाम दृष्टांत पारमार्थिक को पारमार्थिक मानसिकता यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो यदि ऐसा नहीं मानोगे विपक्षी दोष न मानेंगे यदि ऐसा नहीं मानोगे दोष क्या होगा आप देखिए यदि अत्यंत भिन्न वस्तु है कौन द्रव्य और गुण अत्यंत भिन्न वस्तु क्या हो जाएगा यदि ही अत्यंत भिन्ना एव द्रव्य यहाँ पे क्या लिखा है यदि ही अत्यंत भिन्ना एव आगे क्या लिखा है एक भरतम पता के साथ शिव लिखा हुआ है वहाँ पे आकार की मात्रा लगे द्रव्या
पंचमी होना ना, यदि ही अत्यंत भिन्न, मेरा पहला ही लाइन पे, पहला ही लाइन पे देखिए, यदि ही अत्यंत भिन्न, यदि ऐसा नहीं मानोगे, दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तु है, अलग अलग वस्तु है, बिल्कुल अलग अलग वस्तु, यदि ऐसा मानोगे तो इन दोनों का संयोग मिलना मिलना कभी भी संभव नहीं होगा। यदि ही अत्यंत भिन्न एव द्रव्य द्रव्य से इच्छादय आत्मना, इच्छादि जो है उन आत्मा के द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है, तथा चति जैसा अनुमान दिए तो मतलब द्रव्य से कौन बिल्कुल भिन्न वस्तु है, अलग अलग पदार्थ मनाते द्रव्य से कौन बिल्कुल भिन्न वस्तु है, तो क्या हो जाएगा, किसी किस प्रकार आत्मा और आगमन ये बिल्कुल भिन्न वस्तु, आत्मा तथा चति इच्छादि बिल्कुल मान आत्मा घोड़ा और गाय ये बिल्कुल भिन्न वस्तु है, ये दोनों मिलता नहीं है, कभी हो नहीं सकता, यदि ऐसा ही तुम्हारा गुण और द्रव्य बिल्कुल भिन्न वस्तु होगा तो क्या होगा, उसमें समवाय संबंध से रहते ऐसा कह नहीं सकते। यदि ही अत्यंत भिन्न एव द्रव्यासु, यदि अत्यंत भिन्न है द्रव्य से गुणादि अत्यंत भिन्न वस्तु है, इसका भूल करके फिर इसे घटा है, इच्छादयस्य आत्मा इच्छादि गुण आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, तथा च सहि, यदि ऐसा ही होगा इसका फलस्वरूप द्रव्येन तेषां संबंध, द्रव्येन गुणानां संबंध, तेषां गुणानां संबंध अनुपत्ति होना संपत्ति नहीं, होना संपत्ति नहीं होगा। तब वो जो आपने हमारा सिद्धांत को समझाई है, हम किस किस को मिटाने के लिए हमने अलग से एक पदार्थ माना, क्या नाम पदार्थ, समवाय, और ये अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न मतलब एक के बिना दूसरा दिखाई दिखाई नहीं पड़ता, इसको बोलते अविच्छिन्न, इस प्रकार अविच्छिन्न पदार्थ है, ये आपस में साथ में रहता है, एक के बिना दूसरा शुद्ध ही नहीं रहता, हमने समवाय एक ऐसा बात है ना, द्रव्य का भविष्य होते हैं, अब देखिए टीका बोलते हैं गुणादय, तो पहले भाष्य की पंक्ति बात करते हैं, गुणादय द्रव्य अत्यंत भिन्ना हिमवत विद्योर इव यदीशु, क्या बोल रहे हैं गुणादियम, ठीक है ना, गुणादय द्रव्य है ना, द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय, अभाव को छोड़ रहा हूँ मैं, और द्रव्य से गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये यदि बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, इस प्रकार ये टेबिल, ये स्टैंड, ये माइक, ये पुस्तक, ये पेन बिल्कुल अलग अलग भिन्न वस्तु, तो ये एक उसको समवाय संबंध से नहीं ले सकता, ये बोलते हैं कि गुणादय द्रव्य अत्यंत भिन्न, गुण आदि द्रव्य से अत्यंत भिन्न वस्तु, जैसे हिमालय और विंध पर्वत है ना, हिमवत विंधयो विंध्याचल पर्वत और सिद्धार्थ पर्वत माना, और इधर हिमालय जन्म, ये दोनों जैसे कभी नहीं मिल सकते, ऐसे ये लोग नहीं मिलेगा, आपस में कोई संबंध ही नहीं है, यदि ऐसा ही तुम अत्यंत भिन्न मानते हो, किसको द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अत्यंत बिल्कुल भिन्न भिन्न पदार्थ ऐसा मानते हो, मतलब जिनके साथ संबंध होना संभव ही नहीं है, फिर उसमें समवाय समय कैसे है, अत्यंत भिन्न इति अत्यंत भिन्न तदेव भेदस्य अत्यंतम नाम भेद में अत्यंत का अभिप्राय है जन मिथ संबंध अनहर मतलब जो आपस में संबंध करना योग्य नहीं है, धर्मिक प्रतियोगी का मिथि भाव मतलब एक अनुयोगी प्रतियोगी भूतल के ऊपर खड़ा रखा, खड़ा भूतल में स्वागत संबंध से नहीं रह सकता, अलग अलग ही रहेगा, कभी मिल नहीं सकता, द्रव्य में कौन सा बिल्कुल अलग पदार्थ है हिमालय और हिमाचल, हिमाचल में समवाय संबंध से रहेगा, ये कैसे कह सकते हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझना चाहिए आपको कि हिमालय और विंध्याचल दोनों अलग अलग पर्वत है, ये दोनों विंध्याचल पर्वत हिमालय में समवाय संबंध अविच्छेद होकर के बना रहेगा, बिल्कुल अलग पदार्थ तो हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता, इसलिए बोलते हैं एक वक्त अत्यंत भिन्न मात्र अत्यंत भिन्न की तदेव भेदस्य अत्यंत नाम जन नाम जन मित्र संबंध अंधक धर्मी प्रति जन अनुयोगी प्रतियोगी कमिटी भाव है ना, तो तो अनुयोगी प्रतियोगी होता है, ये समवाय संबंध से नहीं रह सकता, आगे हम ये बोलते इसलिए गुणादय द्रव्य अत्यंत भिन्न हिमवत भिन्न जनेशु
यदिच आत्मा दृष्टान्त दिखाकर का दास्तान है, यदिच आत्मा न सकाशत इच्छा, आत्मा हो गया द्रव्य और इच्छा भी होगा गुण। इस प्रकार आत्मा से यदि द्रव्य इच्छा भी गुण अत्यंत भिन्न वस्तु है, आत्मा से इच्छा भी गुण यदि अत्यंत भिन्न वस्तु है, इच्छा से अत्यंत भिन्न भवेयु तदा गुणादीना द्रव्येन तद्वत्व संबंध द्रव्य के साथ संबंध होगा। इस प्रकार तद्वत भीम बिंदुवत तुम्हारा बिंदु तद्वत का जैसे संबंध होना संभव नहीं है, इस प्रकार यहाँ भी संबंध होना संभव नहीं होगा। आगे और बोल रहे हैं इच्छादीनां च आत्मनां तद् अयोगात् पारतंत्र असिद्धि अर्थ। इसी क्या हो गया इच्छादीनां च आत्मनां, क्योंकि आपने क्या बोला पारतंत्र मतलब एक दूसरे का अधीन होकर के रहना, द्रव्य मुका रहेगा द्रव्य का अधीन होकर के रहना, ये आपकी मान्यता है। पारतंत्र सभी पे अभिनता जो कहते हैं तीन नंबर ट्रिब्यूट परतंत्र मतलब आत्मा आश्रयित अर्थ, परतंत्र मतलब आत्माश्रित अधीनता, ठीक है ना। तो इसलिए वक्तन तो भिन्न वस्तु एक दूसरे का अधीन होकर के नहीं रहे, इसलिए आपने बोलते हैं इच्छा के नाम से आत्मा इच्छा आदियों का आत्मा के साथ तत्पर संबंध अयोगा, उसके साथ कुछ तथ्य कह देंगे संबंध, क्योंकि तो बिल्कुल भिन्न वस्तु है, संबंध नहीं होने कारण पारतंत्र अशुद्धि, इसीलिए द्रव्य के अधीन होकर के गुण रहेगा, गुण के अधीन द्रव्य रहेगा, इस प्रकार आप नहीं कह सकते। इसी बात की इसका विभेदन तो भी है, न तो ऊपर जो भगवान वर्ष का कहना चाहते इसका विभेदन के लिए ऐसा मैं टीका में इच्छा देनाम जो आत्मा का इच्छा आदियों का और आत्मा के साथ तत्व संबंध अयोगा संबंध सिद्ध नहीं होने के कारण पारतंत्र अशुद्धि, पारतंत्र मतलब आत्मा अस्तित्व अशुद्धि, आत्मा का आश्रय में रहेगा गुण और द्रव्य का आश्रय में गुण रहेगा, ये सिद्ध नहीं है। आप जो बोलते हैं आप तो ये कह रहा हमारा सिद्धांत तुम समझते ही नहीं हो, क्यों हमने एक ऐसा संबंध माना अद्भुत सिद्ध संबंध समवाय संबंध, देखो समझ के बोलना है अद्भुत सिद्ध संबंध मतलब जिस दोनों में कभी अलग नहीं होना, जब तक ये रहेगा ए और बी अद्भुत सिद्ध संबंध है, तो जब तक ये रहेगा तब तक ये रहेगा। इस प्रकार मान लीजिए कि कपड़ा में भगवा रंग दिखाई दे, तो इस जब तक ये कपड़ा रहेगा तब तक भगवा रंग है ना, इसी प्रकार से ये तो द्रव्य अद्भुत कपड़ा हो गया द्रव्य अद्भुत, तो ये अधिक सिद्ध संबंध है। इसी प्रकार कहाँ घटना है आत्मा और इच्छा है अधिक सिद्ध संबंध है, तो द्रव्य में कौन समवाय संबंध से रहेगा अधिक सिद्ध संबंध। इधर देखो इच्छा आदि को अनित्य मानता है और आत्मा को नित्य मानता है, और ये संबंध अधिक सिद्ध है, कितना सुंदर होता है। इच्छा भी अनित्य है आत्मा नित्य है, आत्मा पहले शुद्ध है और ये अधिक शुद्ध संबंध है, ठीक है संभव नहीं। अत्यंत भिन्ना नाम अति अत्यंत भिन्न वस्तु होते हुए भी समवाय संबंधा हमारे पास एक संबंध ऐसा हमने माना समवाय संबंध, उससे कभी पारतंत्र भगवती उससे क्या हो जाएगा आश्रित संबंध हो जाएगा। अरे भाई जरा समाज के बोला करो क्या बोल रहे हो, अपनी मुक्ति के लिए दर्शन को बनाया मुक्ति के लिए प्रतिबंध बन जाएगा यदि ऐसे संबंध माना दाम के साथ संबंध छुटेगा नहीं कर पहले तो आत्मा ने गुंड गुंडादी का गंदगी लगाया और फिर साबुन से उसको धोने का कोशिश करते हैं करते उठेगा तो ये आपने माना कि वो पड़ेगा। अत्यंत भिन्नानाम अभी समवाय संबंध अत्यंत भिन्न वस्तु में भी समवाय संबंध से पारतंत्र मतलब आश्रितत्व संभव हो जाएगा, गुणादि नाम द्रव्य आश्रितत्व चार नंबर के पूर्ण लिख रही है ना, पारतंत्र गुणादि नाम द्रव्य आश्रितत्व इत्यादि गुणादि द्रव्य आश्रित हो जाएगा। इसको समवाय के द्वारा जो लक्षित होता है समवाय शब्द द्वारा लक्षित होता है अयुत शुद्ध अधिशुद्ध मतलब एक का दूसरे का बिना नहीं निकलेगा अयुत्ता खोलेगा संबंध ना विरुद्ध यदि हम ऐसा कहते न इच्छा दिव्यो, देखिए भाष्यकार ये आप कहीं नहीं कह सकते क्योंकि इच्छा दिव्यो अनित्येभ्य आत्मन नित्यस्य पूर्व सिद्धत्व न अद्वित सिद्धत्व भवति, ठीक है ना। क्या बोला इच्छा भी आपका क्या होगा इच्छा आदि मतलब नौ गुणों से इच्छा दिव्य इच्छा भी नौ गुणों से पंचमी भोग और अनित्य है
अनित्य इच्छा आदि नौ गुणों से आत्मा नित्यस्य, जो आत्मा नित्य है वो पहले से सिद्ध है, इसलिए उसके साथ अनुचित संबंध कैसे हो सकता है। आत्मनित्यस्य पूर्व सिद्धत्वात् न अद्वित सिद्ध, इसलिए वो अद्वित सिद्ध है, न तो हमेशा साक्षात रह रहे, जो कह नहीं सकते उसके नित्य का नित्य है। यदि आत्मा से अद्वित सिद्ध आत्मना अद्वित सिद्धत्व इच्छा देना आत्मगत महत्व नित्यत्व प्रसंग, ठीक है ना। यदि ये आत्मा के साथ अद्वित सिद्ध संबंध है, संबंध है ये मानते हो, तब क्या हो जाएगा, ये आत्मा की व्यापकता के समान आत्मा की तरह नित्य भी हो जाएगा, तो मुक्त हो पाओगे कि नहीं, हो जाओगे मुक्त। उन्हें शब्द इसलिए बोलते हैं आत्मना अद्वित सिद्धत्व इच्छा देना आत्मगत महत्व आत्मा की व्यापकता के समान नित्यत्व प्रसंग, सच अनिष्ट ये तुम्हारा भी इष्ट नहीं है, तुम भी ये नहीं चाहते हो, क्यों, आत्मनवादी मोक्ष प्रसंगा, आत्मा की कभी मुक्त होना संभव ही नहीं होगा, आत्मन हरि मोक्ष प्रसंगा की लिखी तब एक नंबर टिप्पणी बोल रही है, आत्मन अनिर्मोक्ष प्रसंगा दी इच्छा भी बंध आत्मनि सच नित्य से। अब आत्मा की बंधन क्यों है, राग देश इच्छा भूख सुख जो विष्णु बंधन के हेतु है, यदि जो बंधन के हेतु है वो यदि आत्मा में हमेशा रहे और आत्मा मुक्त हो जाएगा, क्या सुंदर सिद्धांत है। यदि हम लोग कहते हैं इच्छा आदि ये ही बंध, इच्छा आदि के द्वारा ही आत्मा में बंध आत्मनी सच सचेत नित्य, इस प्रकार बंध यदि नित्य है, इस प्रकार इच्छा भी यदि नित्य सचेत नित्य से तभी सदैव आत्माबद्ध से तब तो हमेशा आत्मा बंधन में रहेगा, मुक्त रहेगा, इस प्रकार ये कथन भी आपका नहीं बनता, ठीक है। इच्छा भी ही बंध आत्मनि, इच्छा भी के निमित्त से आत्म में बंधन आता है, चाहिए ये हमारी सिद्धांत है। चेत तब क्या नित्य से, तब क्या हो जाएगा, जैसा आत्मा नित्य है वैसे इच्छा भी नित्य हो जाएगा, नित्य से करी सदैव आत्माबंध तो हमेशा हमेशा ही आत्माबंधन में रहेगा, क्योंकि इच्छा भी हमेशा रहेगा, शायद आप इसका नित्य रहता है, इसको मन में रखना भी एक नंबर की ऊपर ही बोलेगा। आप इसी के ऊपर ठीक आ देखिए टीका का क्या बोल रहे हैं, ये जो आपने अद्वित सिद्ध शब्द प्रयोग किया ना, ये अद्वित सिद्ध से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, वो भी बोलते हैं कि मिदम अद्वित सिद्धत्म है, अद्वित सिद्ध से तुम क्या कहना चाहते कि मिदम अद्वित अपृथक कालत्वम कि अपृथक विषयत्वम उत अपृथक स्वभावत्वम आहोषित संयोग विभाग अयोगत्वम, चार विकल्प कर दिए। अब जो सर गुजरा ये अद्वित सिद्ध मतलब क्या है, एक ही काल में रहेगा अथवा अपृथक एक ही देश में रहेगा अथवा अपृथक स्वभाव वाला, इसका स्वभाव भिन्न नहीं है, अथवा जिसको कभी पृथक संयोग नहीं किया जा सकता, संयुक्त विभाग नहीं है, ये तुम्हारा अजित सिद्ध से क्या कहना चाहिए, हमारे श्रीहस्य खंडला खंड खंड कह सकते हैं। तो किम इदम अद्वित सिद्धत्म अपृथक कालत्म किम अपृथक विषयत्व वहाँ करते जाना उत अपृथक स्वभावत्म आहुषित संदिग्ध विभाग अयोगत्व, ये चार विकल्प के अलुक सिद्ध से तुम क्या कहना चाहते है ना, कि पाँच नंबर टिप्पणी छः नंबर टिप्पणी देखिए क्या बोलते हैं, पाँच नंबर टिप्पणी द्वयोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्य अपर अष्टितम एव अवतिष्ठते तो अलुक सिद्धो इति ही नैयायिक समय, नैयायिक समय मतलब सिद्धांत, यहाँ पर समय का सिद्धांत है। नैयायिक सिद्धांत क्या है, बोलते हैं कि एकम अविनश्य एक विनाश नहीं होते हुए अपर आश्रितम में बहुत दूसरे का आश्रय नहीं रहता है, तो जिसका यदि ये वस्तु अविनाशी है तो इस वस्तु जहाँ रहेगा उसको भी अविनाश होना पड़ेगा, अथवा इसका आश्रय में जो है वो अविनाशी होगा, इसलिए बोलता है एकम अविनश्य एक विनाशी नहीं होते हुए अपर आश्रितम में बहुत का आश्रय करके रहता है, तो इस प्रकार जो दो वस्तु है उसको अजित सिद्ध कहा जाता है। नैयायिक को समझ पर नैयायिक सिद्धांत है सच पारतंत्र एवं अर्थ तो फल मतलब दूसरे के परतंत्र का योग सच पारतंत्र एवं अर्थ फल फल क्या होता है कि मतलब एक दूसरे का अधीन होकर के रहना है, क्योंकि यदि ये भी नित्य है तो ये डिस्कशन वो भी नित्य है, यानी परतंत्र को जब तक ये रहेगा तब तक इसको रहना पड़ेगा, ये नहीं कह सकता तुम लोग मैं अलग जाता हूँ, जब ये रहेगा तब तक ये रहेगा मतलब एक दूसरे का अधीनता हो जाता है परतंत्र फल, तो अभी हम विकल्प थे उसी को यहाँ पे विकल्प करते हैं, विकल्पों को पहले समझना चाहिए। विकल्प क्या किया था कि किम इदम अद्वित सिद्धत्म अपृथक कालत्म किम व अपृथक देशत्म उत अपृथक स्वभावत्म, दोनों का स्वभाव एक ही प्रकार है, दोनों हमेशा एक देश में रहते हैं, दोनों हमेशा एक ही काल में दिखाई देगा,
and athava 6 number of ahujit samyog vibhag ayogatta 6 number ke bahut nanu na ekam api bhavat uteshu yayor dayor madhye ekam aparam astitam eva tau adhika shuddho iti arthito nama iti che naivam samavaya shuddhe prak astitattam bhavita lakshanat sarvaktum ayogatva क्या बोले आवश्यक वो संयोग विभाग से नहीं है ननु न एकम अपि भवत् उक्तेषु फिर आपके द्वारा जो कहा गया है ययोर द्वयोर मध्ये एकम अपर आश्रितमेव दिन दोनों एक उसके का आश्रित रहता है गुण द्रव्य का आश्रित रहता है और द्रव्य को परिभाषा के क्या लेते हो द्रव्य की पूर्ण क्रियाश्रयत्म द्रव्यत्म गुण क्या है जो द्रव्य के आश्रय में रहता है सब उनके गुण इसलिए आप बोलते हैं एकम अपरम आश्रितम है तो अधिक सिद्ध हो यदि आप बिल्कुल हमा ऐसा तो ही पीछे यदि ऐसा है नहीं तो हम ऐसा नहीं कह सकते समवाय सिद्धि प्राप्त समवाय सिद्ध होने से पहले आश्रितत्व घर के लक्षण तत्व आप देखो समवाय सिद्ध होगा तो ये इसका आश्रय में रहेगा कौन पहले है समवाय पहले है कि आश्रितत्व पहले आशी तत्व सिद्ध होगा तब समवाय सिद्ध होगा समवाय सिद्ध होगा तो आशी तत्व सिद्ध होगा समवाय मतलब अधिक संबंध है क्योंकि ये सिद्ध होगा क्योंकि ये इसके आश्रय में रहता है तो कौन पहले सिद्ध होगा आशी तत्व सिद्ध नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों अलग अलग भिन्न मान लिए वहां पर तो शंका होगा तुम दोनों को बिल्कुल अलग पदार्थ माना क्योंकि अलग गुण अलग बिल्कुल अलग पदार्थ इस कष्ट में तो नहीं आप फिर आप बोलते हो कि ना अधिक सिद्ध है अभिषेक मतलब समवाय तो कौन सा पहले सिद्ध होगा कि अस्तित्व पहले सिद्ध होगा कि समवाय संबंध पहले सिद्ध होगा समवाय सिद्ध होने पर अस्तित्व सिद्ध होगा और अस्तित्व सिद्ध होने पर समवाय सिद्ध होगा इसलिए ये पवन मास्टर को सिद्ध करते इसमें हम बोलते हैं ये जो वक्त आज होगा समवाय सिद्ध हो अस्तित्व एक कमा का देना समवाय सिद्ध होने पर अस्तित्व सिद्ध होता है सिद्ध होने का समवाय सिद्ध होता है अनन्य छोटा शब्द लिख दिया लंबा सा अर्थ है इसका ठीक है समवाय सिद्ध हो समवाय सिद्ध होने पर अस्तित्व सिद्ध होता है और कस्मिंश्च मतलब अस्तित्व सिद्ध होने पर सा मतलब समवाय अनन्य आश्रया ऐसा आपको समझ कर कहना चाहिए जो विकल्प असमता देता है जो आप बोलते हैं केवल ये चार विकल्प दिया अब विकल्प का उत्तर देते चारों विधि हो सकते पहले तो इस प्रकार कि आप एक विशेष पदार्थ ना विशेष मतलब भेद सिद्ध होने पर विशेष सिद्ध होता है विशेष सिद्ध होने पर भेद सिद्ध होता है इससे ये विशेष है इसमें कोई विशेष होता है इसीलिए भेद है कौन पहले है विशेष पहले है कि भेद पहले इसी प्रकार से ये समवाय पहले है मतलब अस्तित्व पहले सिद्ध है अथवा ये कि समवाय संबंध पहले सिद्ध होगा किस समवाय सिद्ध होने पर अस्तित्व सिद्ध होगा और अस्तित्व सिद्ध होने पर समवाय सिद्ध होना ध्यान देना कहाँ से घूम गए थे हम आपने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सबको अलग अलग पदार्थ माना तो यदि हिमालय की तरह बिंदु जैसा एक अलग पदार्थ इन दोनों एक के आश्रय में नहीं रहता घोड़ा से गाय बिल्कुल अलग पदार्थ होते घोड़ा गाय के आश्रय में नहीं रहता इसी प्रकार द्रव्य और गुण बिल्कुल अलग पदार्थ होने पर कि द्रव्य के आश्रय में गुण कैसे रहेगा एक मिल नहीं दे सकता तो उसने क्या कहा कि हम एक संबंध बनाया समवाय संबंध बना ये अधिक सिद्ध संबंध है आप बताओ कि ये जो अस्तित्व सिद्ध होने पर तब समवाय सिद्ध होता है और समवाय सिद्ध होने पर तब अस्तित्व सिद्ध होता है आपने अस्तित्व सिद्ध करने के लिए समवाय को माना हमने क्या कि राष्ट्रीय होना संभव नहीं है हिमालय में मिलना तो राष्ट्रीय नहीं हो सकता इसी प्रकार द्रव्य में गुण आश्रय नहीं हो सकता अपने क्या होगा समवाय संबंध से रहेगा तो कौन पहले है आश्रितत्व सिद्ध होने पर समवाय सिद्ध होगा समवाय सिद्ध होने पर आश्रितत्व सिद्ध होगा इसलिए अगर मास के दृष्टि पर अधिक होने पर भ्रूण सिद्ध होगा आज जीवन मान विषय में एक नंबर है अजम अतिरिंद्रयोगम रामदेश्वरयोगम अगत जगच्छवत्याम प्राप्यदेकं कलयेकं विविध विषय धर्म क्राहि मुख्ये क्षणानां रणत भय विहत